पिता पुत्र से परीक्षा निकट है, तुमको रात दिन पढ़ना चाहिए। पुत्र पिता से, जी रात को तो मैं सोता हूँ, पिता जागा करो। पुत्र, आप तो कहते हैं रात को तो उल्लू जागा करता है। पिता बोला, बेटा छोड़ दे ये फेसबुक इंस्टाग्राम, ये तुझे रोटी नहीं देने वाली। टप्पू बोला, हाँ पापा ये मुझे रोटी नहीं देने वाली, पर रोटी बनाने वाली देंगी। पिता पुत्र से, क्या मैं तुम्हारी पढ़ने में हेल्प करूं? पुत्र, नहीं पापा, मैं बिना आपकी हेल्प के ही फेल होना चाहता हूँ। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। जिसका मिस कॉल देखते ही जल्दी घर आना पड़ जाए उसे बाप कहते हैं। लड़की बोली, क्या तुम मुझे बेहद प्यार करते हो? पप्पू बोला, हाँ प्रिये, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। लड़की, जान मत दो, पर कल क्या 100 का एक नोट दोगे? पप्पू, प्रिये प्यार मोहब्बत में पैसे नहीं मांगा करते हैं। पप्पू माँ से बोला, क्या परी आकाश में उड़ती है? माँ पप्पू से, हाँ पप्पू तो अपनी कामवाली क्यों नहीं उड़ती? माँ, वो परी नहीं है। पप्पू, पर पापा तो उसे परी कहते हैं। माँ, कोई बात नहीं, कल सुबह उड़ जाएंगी। चित्रकार बोला, सर मैडम की ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जो बोल उठेंगी। पतिदेव बोला, नहीं बनवानी बे, पहले ही तो इसकी इतनी किचकिच खत्म नहीं होती, तस्वीर भी बोलेगी तो कहाँ जाऊंगा मैं। राकेश का जब अंतिम समय आया और आखिरी वक्त में उसके बेटों ने पूछा, आप बताए कि आपको हम जलाए या दफनाए? राकेश बोला, मुझसे मत पूछो, सरप्राइज दे देना। पिताजी बेटे पप्पू से, तुम अपनी क्लास में सबसे पीछे क्यों हो? पप्पू पिता से, इससे क्या फर्क पड़ता है, आगे और पीछे वाले को एक सा ही पढ़ाया जाता है। दो बच्चों की माँ तीसरी बार शादी कर रही थी। पैरों के वक्त छोटा बच्चा रोने लगा, बहुत कोशिश की पर उसका रोना बंद नहीं हुआ। तंग आकर माँ बोली, चुप हो जा वरना अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी। बच्चा चुप पर नया पति बेहोश। दोस्तों इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।